लोग मिलकर इसको प्रोटेस्ट में है, बात एनआरसी की नहीं है। कल को ये एनआरसी के बाद कहेंगे कि आप दिल्ली के अंदर सर्वे करेंगे, अच्छा यूपी वाले यूपी जाओ, बिहार वाले बिहार जाओ, उड़ीसा वाले उड़ीसा जाओ। अरे जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, वो कहाँ से आपको प्रूफ ला के देंगे? उतरे हुए हैं तो इसका मतलब आके उनको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि हमें बहुमत मिला संसद में, अरे बहुमत किस बात का मिला? तुम 545 एमपी मतलब 125 करोड़ लोगों का कैसे फैसला कर सकते हो कि जो भी लागू कर रहे हैं, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को ये लागू कर रहे हैं और हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का सुरक्षा कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट का इनको ध्यान है। सारे उसके अंदर थे और उसमें सबको उठा के लेके गए, उन्होंने रिटेन कर दिया कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया, आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो सबको उठा के लेके गए। जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये एनआरसी को लेके किया गया था और जो सीएए पे इन्होंने कानून बनाया है उसके खिलाफ किया गया था ये प्रोटेस्ट। बिकॉज ये प्रोटेस्ट पूरा मतलब कम्युनलिज्म के आधार पर पूरे देश को बांटता है, ना कि ये सिर्फ देश को बंटवारे की दोबारा से, मतलब मोदी और शाह की दोबारा से ये कोशिश है कि देश को दोबारा कैसे बांटा जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके ये जो हज़ारों स्टूडेंट, हज़ारों लोग प्रोटेस्ट में आए और अभी तक बहुत सारे लोग आई जा रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर और ये प्रोटेस्ट था। परमिशन का आपने कहा, सरकार जो है अब लोगों को आवाज़ उठाने से भी रोक रही है। हाँ, बेसिकली जो सरकार का एक नज़रिया ये रहा है कि जो भी मतलब देश में हमारे देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति चाहते हैं वो तो उनको फटाफट लागू कर देती है। जब न्याय मांगते हैं वो उसके लिए ये डंडा भी उठाते हैं, लोगों पर लाठीचार्ज भी करते हैं और किसी भी प्रकार का मतलब जैसे आप जामिया में देखेंगे तो जामिया में जिस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट को मारा है, मतलब किसी जानवर को भी ऐसे नहीं मारा जाता है। और पूरा इस देश में दिल्ली पुलिस का और राज्य का मतलब पोल खुल गया है कि आप अपने हकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये कहते हैं हमारे देश में कि क्या लोकतंत्र है, लोगों को कहने का अधिकार है। क्या लोकतंत्र है, लोग कैसे बात करें? आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लाखों लोग मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड पे खड़े हैं और तुम आँख बंद करके बैठे हुए हो, संसद में बैठे हुए हो और तुम्हें मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब आके बात करें, लोगों की क्या डिमांड है, लोगों क्यों मतलब इतने लाखों लोग क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। मतलब ये सब दिखाता है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब लोकतंत्र जैसा कुछ रहा नहीं है, जिसके हम बात करते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, प्रस्तावनाओं में पढ़ते हैं। तो इतने लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, तो इसका मतलब आके उनको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि हमें बहुमत मिला संसद में, अरे बहुमत किस बात का मिला? तुम 545 एमपी मतलब 125 करोड़ लोगों का कैसे फैसला कर सकते हो? 125 करोड़ लोग रोड पे खड़े हैं और तुम कह रहे हो हमें बहुमत मिला है, तो फिर ये जनता क्या कर रही है? ये जनता यहाँ पर जो है वो क्या मांग कर रही है? तो ये आँख बंद करके, मुँह बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं और कहते हैं हम परमिशन कैंसिल कर देंगे। अरे तुम्हारे परमिशन से देश चलता है क्या? देश चलता है इस देश के लोगों से, मजदूरों से, किसानों से, छात्रों से, महिलाओं से, उनसे देश चलता है। वो रोड पे खड़े हैं, इसका मतलब हमारा सिस्टम यहाँ फेल हो जाता है, पूंजीवादी सिस्टम फेल होता है। और हमारी बात और ये मतलब जो रोड पर हम उतरे हैं ये अंत तक लेके जाएंगे, अगर नहीं उतरेंगे तो ये पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं हमारे देश के लोगों के साथ। ये एक जामिया नहीं है, एक एमयू नहीं है, एक जेएनयू नहीं है, देश में हज़ारों यूनिवर्सिटी हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों स्टूडेंट हैं। आने वाले समय पर ये पूरे पर हमला किया जाएगा, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस प्रोटेस्ट में है। बात एनआरसी की नहीं है, कल को ये एनआरसी के बाद कहेंगे कि आप दिल्ली के अंदर सर्वे करेंगे, अच्छा यूपी वाले यूपी जाओ, बिहार वाले बिहार जाओ, उड़ीसा वाले उड़ीसा जाओ। अरे जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, वो कहाँ से आपको प्रूफ ला के देंगे? और इनका आंकड़ा कैसा है? इनके आंकड़े में तो बाप का नाम अलग होता है, माँ का नाम अलग होता है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप यहाँ क्या नागरिक हैं या नहीं है? कि जो भी ये लागू कर रहे हैं, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को ये लागू कर रहे हैं और हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का सुरक्षा कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट का इनको ध्यान है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, बीएसएनएल को बेचा जा रहा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हो रहा है? लाखों लोग रोड पे हैं, लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, और तुम कह रहे हो कि हम मतलब हमें बहुमत मिला, हमने जो करना है वो करेंगे। तो इसके खिलाफ ये हज़ारों लोग दिल्ली के अंदर और लाखों लोग पूरे देश के अंदर निकले हैं इन सीए को रद्द करने के लिए, एनआरसी को वापस लेने। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। क्या नाम है? संतोष कुमार। लोगों तक और लोगों तक ये तो आप आज पहुंच चुके हैं, आप आसाम की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो रहा? इंटरनेट है नहीं आज यहाँ, आज तक दिल्ली बैंगलोर में इंटरनेट बंद नहीं किया था, आज दिल्ली में इंटरनेट ये लोग ने डाउन कर दिया। अब अगर कैपिटल सिटी में इंटरनेट बंद होने लग जाए तब
इसकी अहमियत समझ। क्या लग रहा है कि संविधान को हटाया या संविधान खत्म हो गया? संविधान तो 4 साल पहले खत्म हो गया था। जब लोग प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे? अगर 4 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ, मोदी सरकार तो बहुत प्रोएक्टिव रहती है। ये एक के बारे में नहीं है, ये तो बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी है अब तक उनके बारे में। अयोध्या ले लो, कश्मीर ले लो, NRC ले लो, NPR ले लो, ये सब मिल के आज ये जन के आगे फिर आगे है। क्या रहेगा ये? जब तक संघर्ष कर सकेंगे तब तक संघर्ष होगा और तब तक चलते रहेगा, हमारी लड़ेंगे और जीतेंगे। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।